भागलपुर जिला के अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता ने पूर्वी भारत में पहली बार ब्रोकाइल थर्मोप्लास्टी उपलब्ध कराई है, जो गंभीर अस्थमा के प्रभावकारी इलाज की दर्द रहित प्रक्रिया है। इस इलाज में कैथेटर का उपयोग किया जाता है, जिसे गर्मी में पानी के लिए विम पाइप के जरिए अंदर डाला जाता है। यह गर्मी फेफड़ों की नरम मांसपेशियों को लक्षित करती है, ताकि वो मांसपेशियां सिकुड़ जाए और अस्थमा के लक्षण पैदा करने की कड़ी ना हो सके। यह जानकारी अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर देवराज ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता कर बताया। उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया में लगभग 300 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, जिसमें से लगभग 5-10% लोग ऐसे हैं जिन्हें बीमारी की गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यदि ऐसे रोगियों के लिए 2-3 महीने तक सही दवाइयाँ और प्रक्रिया के साथ इनहेयर का उपयोग करने के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो उन्हें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए जाना होता है। इस ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर देवराज जस ने अस्थमा को लेकर कई जानकारियां दी। किस तरह से अस्थमा के लिए इलाज कराएं, कितना खर्च होगा एवं इसके क्या लक्षण है, इसके बारे में बताया। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंदन सिंह की खास रिपोर्ट। As well as if you have any question, our doc panel is ready to answer you back. Sir, आप लोग if you are also if you want to have any question for our doctors from Bihar, Patna, UP के लिए, लेकिन मैं जानना चाहूँगा सर कि लगभग सर पूर्वी बिहार, पूरे बिहार की मैं बात कर लूँ तो अस्थमा एक गंभीर समस्या है, तो किस तरीके के अस्थमा के लिए इलाज ये थेरेपी सक्सेस है और किस लेवल पर ये जाकर मतलब सक्सेस हो सकता है, अदरवाइज हम इलाज नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा डिटेल में आप थोड़ा बता दें। ठीक से सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन, फिर से बोलेंगे? या आई एम एक्सप्लेनिंग यू एट व्हाट स्टेज द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल फॉर द ब्रोकाइल अस्थमा एंड काइंडली स्पीक इन हिंदी सर प्लीज। सॉरी आपकी थोड़ी आवाज एको हो रही है इधर में। देखिए ये ट्रीटमेंट स्पेसिफिक सेंटर में ही किया जा सकता है और स्पेसिफिक प्लेसेस में ही होता है बाय द पर्टिकुलर ट्रेन टीम, और आम लोगों के लिए ये चीज़ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आम लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं है। मेरे को लगता है इसकी फंडिंग भी इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड है, और कोई भी पेशेंट इस ट्रीटमेंट से बेनिफिट पा सकता है।